हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस। हाँ जी, तो पिछली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो फुल एक्सप्लेन किया था। तो अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डीप वाटर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन करके आते हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर आते हैं। बहुत आसान हो जाता है, चार पांच लॉन्ग क्वेश्चन करने की बजाय एक लॉन्ग क्वेश्चन करना वो आसान रहता है। सो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। हाँ जी, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। हाँ जी, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। मीन इसकी में ये क्वेश्चन है, इसका अनुवाद कर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी में, अच्छे से आपने समझ लेना है। डीप वाटर विलियम डगलस द्वारा। हाँ जी, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर नरेट करता है, वर्णन करता है हाउ ही ओवरकम, कैसे काबू पाया जाए हिज फियर, अपने फियर पर, ऑफ द डीप वाटर, गहरे पानी के फियर पर, डर पर कैसे काबू पाया जाए। नरेटर है जो वो नरेट करता है, वर्णन करता है इस कहानी में। द राइटर नरेट करता है, वर्णन करता है एन इंसिडेंट, एक ऐसी घटना को। हाँ जी, साथ साथ हम ग्रामेटिकली जो एस्पेक्ट होता है उस पर भी बात करते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ 10th का सिलेबस आपके लिए लेकर आता हूँ, प्लस टू का सिलेबस वो आपके लिए लेके आता हूँ, और साथ में हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस पर भी वीडियो चल रही है, साथ साथ चलती रहेंगी, आप हमसे जुड़ते रहें। हाँ जी, तो यहाँ क्या बात आई है, इंसिडेंट, एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है और एक इवेंट होता है। तो इंसिडेंट कोई भी साधारण घटना होती है उसको बोलते हैं, एक्सीडेंट एक बुरी घटना होती है, ACCIDENT, एक्सीडेंट बुरी घटना, और एक होता है इवेंट होता है वो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है, कोई फंक्शन वगैरह जैसे होता है उसको इवेंट, महत्वपूर्ण घटना, इंसिडेंट एक साधारण घटना और एक्सीडेंट एक बुरी घटना, इन दोनों इनका सभी का ध्यान रखेंगे अच्छे से। यहाँ एन की बात कर रहा हूँ, एन क्यों आया, इंसिडेंट ई की साउंड आ रही है इसलिए एन आता है, अगर कंसोनेंट की साउंड से ये वर्ड स्टार्ट होता है तो ए आता है। तो राइटर नरेट्स करता है, वर्णन करता है एन इंसिडेंट, एक घटना फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से, यानी कि राइटर के अपने बचपन से घटना है वो उसका वर्णन करता है। ही वॉज देन 3 or 4 years old, तब वह 3 or 4 years old था, 3 या 4 साल का था राइटर। तो क्या हुआ, हिज फादर took him to the beach in California, कैलिफोर्निया की नदी पर ले गए, सी कैपिटल है क्योंकि रिवर नदी का नाम है इसलिए सी कैपिटल आएगा। बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम, एक स्ट्रॉन्ग वेव आई एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उसको नोक करके उसको नीचे गिरा दिया, लहर ने राइटर को नीचे गिरा दिया, अपने पापा की गोदी में था, लहर आई और उसने उसको नीचे गिरा दिया, किसको नीचे गिरा दिया, राइटर को नीचे गिरा दिया। द राइटर्स हार्ट, एपोस्ट्रोफी लगती है, पोजेसिव केस बनता है का के की, द राइटर्स हार्ट, राइटर का हार्ट क्या हो गया, वॉज फिल्ड विद टेरर, टेरर से भर गया, डर से भर गया। यहाँ ओ आ रहा है, मोस्टली क्या होता है ER लगता है ऐसे सेंस में वर्ड के एंड में, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, OR है, TERROR, टेरर, डर से उसका हार्ट है यानी कि राइटर का वो भर गया, यानी कि उसको डर लगने लग गया। However, फिर भी ही डिसाइड टू, उसने डिसाइड किया टू लर्न टू स्विम, स्विमिंग कर सीखने का, लर्न करने का उसको डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि वो स्विमिंग सीखेगा। ही ज्वाइंड ए लोकल स्विमिंग पूल, उसने लोकल स्विमिंग पूल को ज्वाइन कर लिया, किसने ज्वाइन कर लिया, राइटर ने ज्वाइन कर लिया पूल। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, ए टेरिबल थिंग, एक टेरिबल बहुत ही भयानक चीज, टेरिबल हैपन हो गई, घटित हो गई उसके साथ, ए बिग बॉय, एक बहुत बड़ा लड़का, बिग बॉय एक बड़ा लड़का, सडनली केम देयर, वहां अचानक आ गया,
ही पिक्ड द राइटर, उसने राइटर को पिक किया एंड पिक अप ऊपर उठाया एंड टोस्ट उसे टोस किया यानी कि हिम इनटू द डीप डीपर साइड ऑफ द पूल, पूल के डीपर साइड में उसको पकड़ के टोस करके फेंक दिया, ताकतवर था उसने पकड़ के उसे ऊपर उठा के गिर दिया। द राइटर वेंट एट वंस टू द बॉटम, बॉटम में गया वो नीचे गया ऑफ द पूल, पूल के नीचे तली में गया। ही लॉस्ट हिज ब्रेथ, उसने वो अपनी सांस भूल गया, सांस लेना भी भूल गया डर में। हिज लंग्स, उसके फेफड़े एकड़ हुए, दर्द हुआ, पेन हुआ। ही वेंट डाउन थ्राइस, वो तीन बार नीचे गया एंड थ्राइस ही ट्राइड टू कम, और तीन बार ही ट्राइस ही उसने प्रयास किया टू कम अप ऊपर आने का। देन ही स्टॉप्ड, फिर उसने स्टॉप कर दिया, रोक दिया ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सारे प्रयास रोक दिए। अब वो असहाय हो गया, अब उसने कोई एफर्ट नहीं किया बाहर आने का। बट लकीली, भाग्य से ही वॉज टेकन आउट, वो बाहर निकाला गया एंड सेव्ड, और उसे बचा लिया गया। फोर डेज, कई दिनों तक ए टेरिबल फियर, एक भयानक डर फिल्ड हिज हार्ट, उस डर ने, भयानक डर ने राइटर का हार्ट है वो बड़े डर से भर दिया। बट द राइटर वॉज डिटरमाइंड, राइटर भी क्या था, पूरा डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था, उसने निश्चय कर लिया था कि वो स्विमिंग सीखेगा और सीखेगा और पक्का सीखेगा, बाधाएं रुकावटें दुख तकलीफ कितनी भी आए राइटर उसको सीख के रहेगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था, निश्चय कर लिया था। और जो निश्चय कर लेते हैं लाइफ में वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, वो सीख के ही रहते हैं, वो अपनी मंजिल को पाकर ही रहते हैं। टू गेट ओवर हिज फियर, अपने फियर पर काबू पाने के लिए डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था। द राइटर इंगेज, राइटर ने इंगेज कर लिया, किराए पे ले लिया ए वेरी एक्सपर्ट, एक बहुत ही एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड अनुभवी इंस्ट्रक्टर को, सिखाने वाले को। द इंस्ट्रक्टर पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारा प्रयास किया इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाने में, विद द राइटर, राइटर के साथ बहुत सारा प्रयास किया। द राइटर आल्सो वर्कड वेरी हार्ड, राइटर ने भी बहुत मेहनत की, दोनों की मेहनत से कोई चीज है वो सफल होती है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट है। भाई टीचर कुछ नहीं है अगर आप नहीं सीखना चाहते, वही है प्यासे को कुएं तक ले जाया जा सकता है, उसे धक्के से पानी नहीं पिलाया जा सकता, उसकी मर्जी होगी तो वो पिएगा। अगर हाँ, मैं एक बात जानता हूँ, अगर स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि मैंने सीख के ही रहना है, और ये मेरा अनुभव कहता है वो स्टूडेंट सीख कर ही रहेगा, वो लर्न करके ही रहेगा। अगर स्टूडेंट ने, फिर टीचर चाहे कैसा भी हो, उसने अपना बेस्ट देना है, स्टूडेंट ने उन्हें डिसाइड कर लिया है, अगर टीचर थोड़ा सा 19-20 भी मिल जाता है, ठीक ठीक मिल जाता, फिर भी वो अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया है। क्योंकि अगर बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि उसने सीखना नहीं है, तो कितना ही अच्छा टीचर हो उसको सिखा नहीं सकता। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती, ये ध्यान में रखना। आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी रुचि होगी, तो आप कोई भी चीज गेन कर सकते हो। हाँ जी, द इंस्ट्रक्टर पुट इनटू अ लॉट ऑफ एफर्ट विद द राइटर एंड द राइटर आल्सो वर्क्ड वेरी हार्ड, बट बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर, पुराने डर उसका थोड़ा सा वो खत्म होता गया। दस एट लास्ट, और इस प्रकार अंत में ही वॉज एबल, वो एबल हो गया, योग्य हो गया टू कॉन्कर, विजय पाने में, कॉन्कर विजय पाने में, जिस वर्ड के एंड में आर आता है या आर ई आता है वो साइलेंट रहता है, आर कॉन्कर, कॉन्कर नहीं कॉन्कर, विजय पाने में ऑल फियर्स, सारे डर पर, ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर के डर पर जो उसके अंदर बचपन से डर है वो बैठ गया था, उस पर काबू पाने में, उस पर विजय पाने में वो एबल हो सका, सक्षम हो सका। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में करके आना, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक मेहनत करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। ओके, सी यू सून।